स्टूडेंट्स, लीनियर एलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिस एंड डायमेंशन। ओके, सो बेसिस एंड डायमेंशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक अप टू एक्सरसाइज 2.2 हमने वेरियस ऐसे प्रॉपर्टीज और वेरियस ऐसे डेफिनेशंस हमने पढ़ी, लाइक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, ओके, लीनियर स्पैन के बारे में, लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में, ये वेरियस टर्म्स हमने पढ़ी थी। तो इन सभी का यूज हमने करना था बेसिस और डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस के डिफाइन करने के लिए। तो अभी वो सब हमने टर्म्स बेसिक पढ़ चुके हैं, जो एक्सरसाइज में 2.3 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे अब बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस किसे कहा जाता है इस बारे में। तो इसके लिए जो टर्म्स चाहिए थी वो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, Vf कोई वेक्टर स्पेस है, V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F कोई वेक्टर स्पेस है, उसका कोई सबसेट ले लिया, मींस V के अंदर से कुछ एलिमेंट्स हमने मान लीजिए n एलिमेंट्स चूज कर लिए एंड सेट बना दिया इस S, ठीक है। अब ये सेट बेसिस कहा जाएगा, ठीक है। दिस कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, कुछ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बेसिस कहा जाएगा वेक्टर स्पेस V का, अगर ये दो प्रॉपर्टी ये सेट सेटिस्फाई करता होगा। फर्स्ट इज कि ये जो n वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होने चाहिए। अब कोई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या थी, आपके पास फील्ड में कुछ ऐसे आपके पास स्केलर होने चाहिए a टू v टू कि आप a n v n इक्वल्स टू जीरो, और ये इम्प्लाई क्या करे कि a वन a टू लाइकवाइज a n ये सब जीरो हो, तब हम कह सकते हैं कि दिस सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये चेक करना होगा एक तो, और सेकेंड थिंग जो चेक करनी है बेसिस के लिए वो कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स पूरे V वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, ठीक है। कि मतलब है एल एस का मतलब क्या बताया गया था, लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का, ठीक है, इन वेक्टर्स का ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा। ये दो चीजें आपने किसी भी सेट को बेसिस चेक करना है किसी वेक्टर स्पेस के लिए तो ये दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, क्लियर। और ये दोनों चीजें हम किस तरह से चेक करते हैं हम पढ़ चुके हैं लास्ट एक्सरसाइजेस में। सो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसमें वेक्टर स्पेस के लिए कोई सेट दिया होगा वो बेसिस बनता है या नहीं ये हमने चेक करना होगा। देखिए, अब ये नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्चुअली एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। सो वेक्टर स्पेस है R4, और R4 का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे, R4 मींस R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट R से, सेकेंड यहाँ से, थर्ड, अगर ये सब R नहीं होते, अलग अलग अगर आपके पास कोई सेट लिखा होता तो ये हर एक एलिमेंट इस तरह से आता है, इस तरह से क्वाड्रिपल में लिखा जाता है वो, क्लियर। सो ये आपके पास वेक्टर स्पेस हो गया और ये आपके पास फील्ड हो गई, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये सेट दिया हुआ है S, इसे आपने चेक करना है वेदर इट इज अ बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस और नॉट, क्या ये सेट बेसिस बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले आपने इसकी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करनी है, ठीक है। फर्स्ट जो चीज चेक करनी है दैट इज लीनियर इंडिपेंडेंस, उसके लिए क्या करना होगा, फील्ड से हमें चार यहाँ पे वेक्टर दिए हुए हैं, तो a1, a2, a3, a4 ये चार आपने एलिमेंट्स फील्ड से ले लिए, ठीक है, स्केलर्स कहे जाते हैं, जो कि चार स्केलर्स आपने यहाँ पे चूज कर लिए। अब इनका सम करके आपने स्केलर मल्टीप्लाई करना है, a1 का विद फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1000, a2 1200, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो a1 000 प्लस a2 2a2 00 a3 2a3 3 टाइम्स a3 0 प्लस a4 2a4 0
A4 हो जाएगा ये, ओके दिस इज 4A4। स्केलर्स को मैंने वेक्टर्स में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4A4 प्लस 2 0 0 0, ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस दिया हुआ है उसमें हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इनका सम करना है तो टपल वाइज ऐड होगा। फर्स्ट टपल में यहाँ पे आएगा A1, सेकंड में फर्स्ट सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट टपल है A2, तो वो लिख दिया प्लस A3 प्लस A4, ये तो फर्स्ट टपल हो गया। सेकंड में यहाँ 0 है, यहाँ है 2A2 प्लस यहाँ है 2A3 प्लस 2A4। थर्ड एलिमेंट है 0, दैट इज 3A3। फोर्थ एलिमेंट है यहाँ पे 4 टाइम्स A4 इज इक्वल्स टू 0 0 0 एलिमेंट। अब इनको क्या करना है, आपने इक्वेट करना है, ठीक है। इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज ट्वाइस A2 ट्वाइस A3 ट्वाइस A4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, लाइकवाइज 3A3 इक्वल्स टू 0 एंड 4 टाइम्स A4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपने इनको भी सिंप्लीफाई करना है, देखिए इससे यहाँ से आया A3 0, यहाँ से A4 0, A3 A4 दोनों 0 हो गए, यहाँ से इसने इंप्लाई किया कि A2 0, इसी तरह A2 भी 0 होने के बाद यहाँ फर्स्ट में इक्वेशन इंप्लाई किया A1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज A1 A2 A3 A4 ये सभी क्या हो गए, 0, ठीक है। इट मीन्स द गिवन सेट S देयरफॉर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखिए, अब हमने लीनियर स्पैन चेक करना है। हमने क्या चेक करना है कि ये जो V वेक्टर स्पेस है ये लीनियर स्पैन ऑफ S लिखा जा सकता है या नहीं, या फिर ऐसे बोले कि ये S सेट पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट कर सकता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट V वेक्टर स्पेस से ले लिया, दैट इज R4, और इस एलिमेंट को अगर हम इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, ठीक है, इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, तो हम बोल देंगे कि किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को अगर हम लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है पूरे वेक्टर स्पेस से किसी भी एलिमेंट को लेके हम इस तरह से लिख पाएंगे, क्लियर। सो उसके लिए हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया वी से, और ये वेक्टर्स ले लिए हमने फील्ड से, स्केलर्स ले लिए हमने फील्ड से, और उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करके आपने इक्वेट करना है, एक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2 ट्वाइस ऑफ A3 ट्वाइस ऑफ A4, ठीक है, z इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ A3 एंड t इज इक्वल टू 4 टाइम्स A4। तो अभी अगर हम A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज, ठीक है, प्रॉपरली अगर हम निकाल पाते हैं एक्स वाई जी और डी के फॉर्म में, तो हम बोलेंगे कि इन इस वेक्टर को आर्बिट्रेरी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। सो इससे हम देखेंगे कि A4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 times t, ठीक है, लाइकवाइज यहाँ से A3 की वैल्यू 1/3 times z। ऐसे ही आपने क्या करना होगा अभी इन दोनों इक्वेशन से, और इधर मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 इनको, ठीक है, इन इक्वेशन की हेल्प से। अब इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से आपने क्या करना होगा, A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 times y माइनस ट्वाइस A3 माइनस ट्वाइस A4। A3 A4 की वैल्यू यहाँ से आपने पुट करनी है तो A2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ A2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद A1 की वैल्यू इज, चलिए निकाल देते हैं, A2 की वैल्यू इज दिस y माइनस ट्वाइस ऑफ A3, और A3 हो गया 2/3 times z माइनस 2/4 t, A3 और A4 की वैल्यू, सो दिस इज योर A2, क्लियर। लाइकवाइज A1 इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आ जाएगा x माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4, सो A1 इज x माइनस A2, A2 की वैल्यू ये आपने रखनी है y माइनस 2/3 z माइनस 2/4 t माइनस A3 इज 1/3 z माइनस 1/4 t। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग तो हम देख पा रहे हैं कि हम इजीली इन सब की वैल्यू A1 A2 A3 A4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये लिख पाए हैं। अगर इट मींस हम इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं,
और ये वेक्टर्स कहाँ से हैं, एस के. इट मीन्स देयरफॉर वी कैन राइट वी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एल एस, और एस ने जनरेट कर दिया पूरे वेक्टर स्पेस को. हेंस एस इज अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ. वी ओवर एफ एक्चुअल में है क्या, दैट इज आर रेज टू पावर 4 ओवर आर. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है आर क्यूब ओवर द फील्ड आर, और ये सेट है दैट इज एलिमेंट, इसमें तीन एलिमेंट हैं, वन इज 100, सेकेंड 010 एंड थर्ड इज 001. तो ये तीन वेक्टर्स आपके पास, क्या ये बेसिस बनाते हैं आर क्यूब के लिए? ठीक है, सो इनको नाम दे दिया मैंने, से फर्स्ट को ई वन, सेकेंड को ई टू एंड थर्ड को ई थ्री, ई वन ई टू ई थ्री. तो आपने ये चेक करना है कि ये बेसिस है या नहीं है. Is S a basis of R cube over R or not? ठीक है, ये आप लोगों के लिए टास्क है. देखिए, आपने चेक करके देखना है. मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली बता दूं कि ये आपके पास सेट R cube over R का के लिए बेसिस का काम करता है. और ऐसे सेट को जिसमें देखिए, क्योंकि हम देख सकते हैं आर क्यूब के अंदर कोई भी वेक्टर किस तरह का दिखता होगा इस टाइप से, और वो वेक्टर इजीली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बी टाइम्स ऑफ 010 एंड सी टाइम्स ऑफ 001. ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया उसको. ओके, सेकेंड जो स्पैन चेक करना था वो प्रॉपर्टी, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए मान लीजिए आपने तीन स्केलर लिए ए वन ए टू ए थ्री फील्ड से, और उनको ऐसे मल्टीप्लाई किया 010 ई1 ई2 ई3 से मल्टीप्लाई करके. अब आना क्या चाहिए कि ए1 ए2 ए3 सारे क्या हूँ, जीरो हूँ. सो अब ये इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट एलिमेंट ए2 ए3 इक्वल्स टू 000, सो ए1 0 ए2 भी 0 एंड ए3 भी 0. तो हम देख सकते हैं कि ये दिस एस इज अ बेसिस फॉर दिस, और इस बेसिस को, ठीक है, इस ऐसे जो एलिमेंट्स हैं तीन सिंपली जो आपने लिए हुए हैं, इस बेसिस को एलिमेंट्री बेसिस बोला जाता है, एलिमेंट्री बेसिस, या फिर कहें कि नेचुरल बेसिस ऑफ एनी सेट. ठीक है, आर क्यूब के लिए. इसी तरह अगर ये वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर मैंने लिया होता तो इस केस में जो नेचुरल बेसिस होती है इवन वो होगी 1,0 एंड सेकेंड हो जाएगी 0,1. ठीक है, नेचुरल बेसिस की मैं बात करूं, आर रेज टू पावर 4 ओवर आर अगर होगा तो उसकी बेसिस कैसे होंगी, ई1 इज 1,0,0,0, ई2 इज 0,1,0,0, ई3 0,0,1,0 एंड ई4 इज 0,0,0,1. ठीक है, तो ये नेचुरल बेसिस आर 4 ओवर आर के लिए बोली जाएगी. तो आप समझ गए होंगे कि नेचुरल बेसिस किस तरह से लिखी जाती है. क्लियर. अब एक चीज आती है, एक टर्म है यहाँ पे, वो भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस. ठीक है, ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई बेसिस वेक्टर, कोई ठीक है सेट दिया हुआ, जैसे ये सेट लिखा हुआ था v1 v2 v3, मान लीजिए ये चार आपके पास एलिमेंट्स रखे हुए हैं और ये सेट हो गया से एस, और ये बेसिस बना रहा है, बेसिस ऑफ से आर फोर ओवर आर के लिए बेसिस का काम कर रहा है, तो ये ऑर्डर्ड बेसिस कब कहा जाएगा कि इन वेक्टर्स का ये जो ऑर्डर है ये स्पेसिफिक रहेगी, मतलब फर्स्ट वेक्टर यही रहेगा, सेकंड यही, ये थर्ड ये और फोर्थ ये वेक्टर रहेगा. अगर ये वेक्टर्स फिक्स रहे एक सेम ही ऑर्डर के अंदर अगर लिखे जा सकते हो तब हम कहेंगे ऐसी बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस कहलाएगी. क्लियर. अब एक बात आती है कि क्या बेसिस यूनिक होगी, क्या मतलब किसी वेक्टर स्पेस के लिए जो बेसिस है वो हमेशा यूनिक होगी, या कोई और सेट भी बेसिस की तरह काम कर सकता है? तो उसका जवाब होगा वो यूनिक बेसिस नहीं होती. ठीक है, किसी के बेसिस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे. ठीक है, अब जैसे आर फोर है वेक्टर स्पेस, यहाँ पे था आर फोर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर, सो इसके अंदर बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस
वो यहाँ पे फोर रहेंगे, बट वो फोर एलिमेंट यही रहे ये जरूरी नहीं है। अब हमने ये चेक किया, दिस सेट एसी बेसिस बना हमने चेक किया। लाइक वाइज एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे एलिमेंट्री बेसिस का लिखा, दिस आर फोर ओवर आर, इसके अंदर तो एलिमेंट वही सेम नहीं है जो ऊपर थे, बट स्टिल ये बेसिस बनाते हैं। बट क्या है कि एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं बेसिस के लिए, बट नंबर ऑफ एलिमेंट चार ही रहेंगे किसी भी वेक्टर स्पेस, किसी फाइनाइट वेक्टर वेक्टर स्पेस के बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स रहेंगे, बट एलिमेंट्स में वेरी और चेंज। ठीक है, एलिमेंट्स बदल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे बेसिस बना सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है वो सेम रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? एक और टर्म है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर रिलेटेड टू अ बेसिस, किसी बेसिस के रिलेटेड से ठीक है रिलेट करते हुए कोऑर्डिनेट्स किसी वेक्टर के। ठीक है, सो अब आपके पास ये एक ऑर्डर्ड बेसिस है, अभी मैंने बताया ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है ये एक ऑर्डर्ड बेसिस है, और इस ऑर्डर्ड बेसिस की हेल्प से अगर किसी वेक्टर वी को, वेक्टर स्पेस के कोई भी वेक्टर वी है, क्योंकि देखिए बेसिस का सिंपल मतलब समझिए सबसे पहले, कि बेसिस वो सेट है, मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ वी वन वी टू वी थ्री एक बेसिस है आर क्यूब की, तो इसका मतलब है इस इन तीन वेक्टर्स की हेल्प से इस आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, या हम कहें पूरा आर क्यूब इससे जनरेट हो जाएगा। क्लियर, बेसिस का ये मतलब है। सो अब ये एक ऑर्डर्ड बेसिस गिवन है किसी वेक्टर स्पेस की, तो उस वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्लियर, सो अब ये जो कोफिशियंट्स हैं ए वन ए टू ए एन जो स्केलर हैं फील्ड से आए हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ, दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वी, इस वेक्टर वी के कोऑर्डिनेट्स बोले जाएंगे रिलेटेड टू बेसिस, इस वी बेसिस के वेक्टर्स, इस वी बेसिस के वेक्टर्स के रिलेटिव ये आपके पास इस वी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, या फिर इन्हें कैसे, और ये ए वन ए टू ए थ्री ए एन के बारे में बात कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज वी कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ऐसे भी लिखा जा सकता है बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर बी। क्लियर, ये एक प्रॉब्लम देखिए, इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस वेक्टर के। ठीक है, सो दिस इज वेक्टर बी, मान लीजिए वी फोर वेक्टर स्पेस से ये एक वेक्टर दिया हुआ है, और ये एक ऑर्डर्ड बेसिस, पहले से बोला है कि ये बेसिस है, इसे चेक नहीं करना है कि ये बेसिस है या नहीं है, ये एक ऑर्डर्ड बेसिस गिवन है, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर दैट इज -1 2 3 4, इसके लिए आपने ये जो कोफिशियंट्स, ठीक है स्केलर जिन्हें हमने फील्ड से चूज करते हैं, इनकी वैल्यू हमने निकालनी है, दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स अगर ये ऑर्डर्ड बेसिस के स्केलर से यहाँ पे हो तो, ए वन ए टू 0 0 1 1 सिंपल है, ए थ्री 1 0 0 1 प्लस ए फोर 0 1 0 0। ठीक है, अब ये यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके आपने सम कर देना है, दैट इज ए थ्री ए वन प्लस ए फोर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल्स टू -1 2 3 4, इक्वेट करके आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए वन की वैल्यू -2, ए टू की वैल्यू है 5, ए थ्री की वैल्यू है -1 एंड ए फोर इज 4। सो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड टू दिस बी बेसिस।